हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिलरी विस्कोमीटर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैपिलरी विस्कोमीटर जो है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं न्यूटोनियन लिक्विड्स के विस्कोसिटी मेजर करने के लिए। न्यूटोनियन लिक्विड्स क्या होते हैं? ऐसे लिक्विड्स जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन लिक्विड्स। ठीक है, अब बात आती है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो कहता है कि जो शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ शेयर के। मतलब जैसे जैसे आप शेयर स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे शेयर स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे जो रेट ऑफ शेयर है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, नॉर्मल भाषा में अगर हम लोग इसको समझें तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो ये कहता है कि जैसे जैसे आप किसी लिक्विड को शेक करना तेज से स्टार्ट करोगे तो उस लिक्विड का मूवमेंट जो है वो उतना ही तेज होगा। ठीक है, मतलब जितना तेज आप उस लिक्विड को शेक करोगे उस लिक्विड का मूवमेंट उतना ही तेज होगा। ठीक है, ये था सिंपल सा न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो। तो कैपिलरी विस्कोमीटर को हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि कैपिलरी विस्कोमीटर को हम लोग ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि इसको न्यूटोनियन लिक्विड्स के विस्कोसिटी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट है वो डायनेमिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटीज कैन बी ऑब्टेंड। जो कैपिलरी विस्कोमीटर है उससे डायनेमिक और काइनेमेटिक दोनों विस्कोसिटीज़ को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग बेसिक डायग्राम और इसकी वर्किंग देखते हैं। ठीक है, ये डायग्राम होता है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर का, या फिर जिसको हम लोग कैपिलरी विस्कोमीटर भी कहते हैं। इसके अंदर दो बल्ब्स होते हैं, दिस वन इज़ बल्ब ए, दिस वन इज़ बल्ब टू। और बल्ब बी जो होता है ना, बल्ब टू, उसके उस वहाँ पे दो मार्क्स होते हैं, एक अपर मार्क होता है, एक होता है लोअर मार्क। ठीक है, और लोअर मार्क से नीचे कैपिलरी ट्यूब्स भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये कुछ ना ऐसा सा दिखता है, ये है हमारा ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिक इसका डायग्राम देख लिया, अब इसकी वर्किंग समझते हैं। ठीक है, तो वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है इसका? सबसे पहले तो हम लोगों को दो लिक्विड्स लेने होते हैं। ठीक है, एक लिक्विड हम लोग ऐसा लेते हैं जिसकी विस्कोसिटी हम लोगों को मालूम होती है, और दूसरा लिक्विड हमारा वो होता है जिसकी विस्कोसिटी हमें पता नहीं है, जिसकी विस्कोसिटी हमें पता करनी है। ठीक है, तो वो लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी हमें पता है उसकी उसके लिए हम लोग मोस्टली वाटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, दो लिक्विड्स लिए, एक वाटर ले लिया जिसकी विस्कोसिटी हमें पता है, और दूसरा कोई भी लिक्विड ले लिया जिसकी विस्कोसिटी हम लोगों को पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले बीकर में एक है ना सॉरी बीकर जो है उसमें वाटर लेना है, और वाटर को वाटर बीकर में लेने के बाद हम लोगों को क्या करना है, ये जो है यहाँ से हम लोग को यहाँ से वाटर को डाल देना है इसमें ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर में। ठीक है, तब कब तक डालेंगे, जब तक कि जो बल्ब ए है ये यहाँ तक पूरा वाटर से फिल नहीं हो जाता। ठीक है, तो जब हम वाटर यहाँ तक फिल हो जाएगा तो यहाँ पे पानी हो जाएगा पूरा, यहाँ पे पानी हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने डाल दिया यहाँ पे पानी, यहाँ पे वाटर डाल दिया। वाटर ध्यान रखना है कि वाटर वो लिक्विड है इसकी विस्कोसिटी हम लोगों को पता है। ठीक है, इस वाटर की जगह हम लोग और भी कोई लिक्विड यूज़ कर सकते हैं जिसकी विस्कोसिटी हम लोगों को पता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो बल्ब बी होता है ना, यहाँ पे इसके ऊपर एक रबर ट्यूब लगी हुई होती है। ठीक है, इस रबर की ट्यूब से जो ये लिक्विड है इसको सक किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने वाटर डाला, वाटर को तब तक डालते रहे जब तक ये जो बल्ब है ये फिल हो गया पूरा, यहाँ तक आ गया पानी वाटर इसके। ठीक है, ये पूरा यहाँ से वाटर फिल हो गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारी रबर ट्यूब है यहाँ पे जो लगी हुई है, ठीक है, इस रबर ट्यूब, ये जो रबर ट्यूब है ना ये वाली, इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ से सक करेंगे इस लिक्विड को। ठीक है, तो जब हम लोग सक करेंगे ना तो क्या होगा कि ये जो लिक्विड यहाँ पे है ना, वो यहाँ जब हम लोग इसको सक करेंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव करता चला जाएगा। हम लोग को तब तक सक करना है तब तक जो हमारा लिक्विड है वो अपर मार्क से थोड़ा सा ऊपर तक नहीं पहुँच जाता। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, हम लोगों को तब तक सक करते रहना है तब तक जो हमारा लिक्विड है, जैसे लिक्विड यहाँ था, जब हम लोग इसको सक करेंगे तो ये यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अपर मार्क से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तब तक हम लोग को सक करना है। जैसे ही ऊपर अपर मार्क से थोड़ा सा ऊपर आ जाए हम लोग को सक करना छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब हम लोग सक करना छोड़ देंगे ना तो ये जो लिक्विड है ना इसका फिर से वापस से, जैसे ये यहाँ आया था, जब सक करना छोड़ देंगे तो वापस से इसका नीचे की तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, अभी हमारा लिक्विड जो है वो यहाँ पे है, ये अपर यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले सक करना छोड़ देना और देखना है कि यहाँ से जो जहाँ तक भरा हुआ है वहाँ से लेकर के अपर
मार्क तक ये लिक्विड कब तक आता है, ठीक है। जैसे ही अपर मार्क पे जो हमारा लिक्विड है वो आ जाएगा, वाटर आ जाएगा अपर मार्क पे, वैसे ही हम लोग को स्टॉप वॉच चालू कर देनी है, ठीक है। स्टॉप वॉच चालू कर दी हम लोगों ने, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग को देखना है कि अपर मार्क से लोअर मार्क तक कितनी देर में आता है। तो अपर मार्क से सबसे पहले अपर मार्क तक आ गया, ठीक है, ऊपर था थोड़ा अपर मार्क से, अपर मार्क तक आ गया। अब फिर हम लोग को देखना है अपर मार्क पे आते ही हम लोगों ने स्टॉप वॉच चालू कर दी, और अपर मार्क पे स्टॉप वॉच चालू कर दी हम लोगों ने अपर मार्क पे आते, और उसके बाद हम लोग को देखना है कि अपर मार्क से लोअर मार्क तक आने में लिक्विड को कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो जैसे ही लिक्विड लोअर मार्क पे पहुंच जाता है वैसे ही हम लोग स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया वाटर के लिए, हम लोगों ने टाइम नोट कर लिया, ये जो टाइम आएगा अपर मार्क से लोअर मार्क पे पहुंचने में जो लगा लिक्विड को, वो टाइम उन लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोगों को लेना है लिक्विड, वो वाला लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी हम लोगों को पता नहीं है, और उसके साथ सेम टू सेम यही प्रोसेसर रिपीट करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से इस लिक्विड को डालेंगे, ये जो लिक्विड है ना जो अभी हम लोग डाल रहे हैं, हम लोग को उतनी कॉन्सेंट्रेशन में डालना है जितना हम लोगों ने वाटर डाला था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस लिक्विड को यहाँ से डाला, ठीक है। उसके बाद में तब तक डाला जब तक कि जो बल्ब ए है ये पूरा फिल हो गया लिक्विड से, फिर लिक्विड लिक्विड यहाँ पे हो गया पूरा लिक्विड। उसके बाद ये जो रबर ट्यूब है, रबर ट्यूब इसके थ्रू हम लोगों ने सक किया, तो सक करने पे ये जो लिक्विड यहाँ था ये यहाँ से कहाँ तक पहुँच गया वापस से, तभी तक सक, तब तक सक करना है जब तक जो लिक्विड है ये अपर मार्क से थोड़ा सा ऊपर पहुँच जाए, ठीक है। अपर मार्क से ऊपर पहुँच गया, फिर वापस सेम टू सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है। जैसे ही अपर मार्क से थोड़ा सा ऊपर पहुँच जाए वैसे ही हम लोगों को लिक्विड को सक करना बंद कर देना है, और देखना है कि अपर मार्क तक कब तक पहुँच पाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे अब वापस इसका डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, तो ये वो अपर मार्क पे पहुँचेगा, और अपर मार्क पे पहुँचते ही हम लोगों को स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। स्टॉप वॉच स्टार्ट करने के बाद हम लोगों को देखना है कि अपर मार्क से लोअर मार्क पे आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। जैसे ही लिक्विड लोअर मार्क पे पहुंचता है वैसे ही स्टॉप वॉच को बंद कर देना है, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों लिक्विड्स का टाइम नोट कर लिया कि वाटर को अपर मार्क से लोअर मार्क में आने में कितना टाइम लगा, और ये जो हमारा लिक्विड है दूसरा वाला जिसकी विस्कोसिटी हम लोगों को पता नहीं है, इसको अपर मार्क से लोअर मार्क पे आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। जो हमारा वाटर है जिसकी विस्कोसिटी हमें पता है, इसको हम लोग बोलेंगे लिक्विड टू। तो जो टाइम लगेगा वाटर को अपर मार्क से लोअर मार्क तक आने में, इसको हम लोग डिनोट करेंगे T2 से, ठीक है। और जो हमारा ऐसा लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है, उस लिक्विड को हम लोग बोलेंगे लिक्विड वन, और उस लिक्विड का अपर मार्क से लोअर मार्क तक आने का जो टाइम है उसको हम लोग डिनोट करेंगे T1 से, ठीक है। अब हम लोग टाइम की हेल्प से कैसे विस्कोसिटी निकालेंगे दूसरे वाले लिक्विड के, ये हम लोग देखते हैं, अभी समझते हैं उसको। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, Neta1 इज इक्वल्स टू Rho1 T1 अपॉन Rho2 T2 इनटू Neta2, ठीक है। Neta1 जो है वो विस्कोसिटी है उस लिक्विड की जिसकी विस्कोसिटी हम लोगों को मेज़र करनी है, ठीक है। Neta1 जो है वो विस्कोसिटी है जो विस्कोसिटी हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। Rho1 जो है वो विस्कोसिटी है, सॉरी, जो Rho1 है वो डेंसिटी है उसी लिक्विड की जिसकी विस्कोसिटी हमें पता नहीं है, और T1 जो है वो टाइम है जो अपर मार्क से लोअर मार्क तक आने में लगा उस लिक्विड का जिसकी विस्कोसिटी हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। और Neta2 जो है वो हमारे वाटर की विस्कोसिटी है, Rho2 जो है वो डेंसिटी है वाटर की, और T2 जो है वो टाइम है वाटर को कितना लगा अपर मार्क से लोअर मार्क तक आने में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे विस्कोसिटी उस लिक्विड के जिसकी हमको विस्कोसिटी पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यही दे रखा है, Rho1 जो है वो डेंसिटी है अननोन लिक्विड की, अननोन लिक्विड यानी कि वो लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी हमें पता नहीं है, और T1 जो है वो टाइम ऑफ फ्लो ऑफ अननोन लिक्विड, उस लिक्विड को कितना टाइम लगा अपर मार्क से लोअर मार्क तक आने में। Rho2 जो है वो डेंसिटी है नॉन लिक्विड, नॉन लिक्विड कोई भी हो सकता है जैसे मैंने बताया, जिसकी विस्कोसिटी हमें पता है, यहाँ पे हम लोगों ने उस नॉन लिक्विड को वाटर माना। T2 जो है वो टाइम है नॉन लिक्विड का, और Neta2 जो है वो विस्कोसिटी है नॉन लिक्विड की, ठीक है। हम लोगों ने विस्कोसिटी निकाला सीख लिया, अब हम लोग इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इसका प्रिंसिपल है, व्हेन अ लिक्विड फ्लोज बाय ग्रेविटी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द लिक्विड टू पास बिटवीन टू मार्क्स ए एंड बी थ्रू अ वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब इज डिटरमाइंड। मतलब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले हम लोगों ने लिक्विड डाला पोस्ट वॉल विस्कोमीटर में, उसके बाद उसको सक किया, सक करने के बाद जब वो ऊपर पहुंच गया, जब सक करना बंद कर दिया, तो वो ग्रेविटी की हेल्प से वो लिक्विड का वापस से डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। तो हम लोगों ने टाइम नोट कर लिया कि जो अपर मार्क से यानी कि मार्क ए से मार्क बी तक आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। और जो टाइम ऑफ फ्लो था लिक्विड का
अंडर टेस्ट, मतलब कि वो लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी हमें पता नहीं है उस लिक्विड के टाइम को हम लोग कंपेयर करेंगे वाटर के टाइम के साथ, मतलब वाटर को कितना टाइम लगा और उस लिक्विड को कितना टाइम लगा आने में, ठीक है। तो जो विस्कोसिटी है अननोन लिक्विड की वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगी, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। हम लोग एप्लीकेशंस देख लेते हैं ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर के लिए, विस्कोमीटर के। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर इज़ यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल पर्पज इन फॉर्मुलेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डिस्पर्जन सिस्टम दैट इज कॉलॉइड्स, इमल्शंस, डाइल्यूट सस्पेंशंस। जो ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर होता है इसको क्वालिटी कंट्रोल पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है कॉलॉइड्स, इमल्शंस, डाइल्यूट सस्पेंशंस के फॉर्मुलेशन और इवेल्यूशन में, ठीक है। और ये जो है वो ऑफिशियल है आईपी में, ये इंडियन फार्माकोपिया में ऑफिशियल है लिक्विड पैराफिन और डेक्सट्रिन इंजेक्शन के इवेल्यूएशन के लिए, ठीक है। जो लिक्विड पैराफिन है वो वहीकल होता है, यानी कि सॉल्वेंट होता है स्प्रे सॉल्यूशंस का, और डेक्सट्रिन इंजेक्शन जो होता है वो होता है प्लाज्मा एक्सपेंडर, ठीक है। सेकेंड इज़ द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब थ्रू लाइट अपॉन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब कि जो जो लिक्विड जो है वो जिस तरीके से फ्लो करता है कैपिलरी ट्यूब से, वो शो करता है कि ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।